सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिक्स क्लास का बनाया गया है, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के विषय का पहला अध्याय हमारा अतीत। तो हमारा अतीत में आज जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उसे लिखने का प्रयास करेंगे। आइए लिखते हैं। चलिए बच्चों, तो इस प्रश्न को आप लोग जो है अपने बुक में लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि हेरोडोटस कौन था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला यात्री था,
दूसरा राजा था, तीसरा इतिहासकार था और चौथा जो था दार्शनिक था। तो हेरोडोटस जो था बच्चों वह इतिहासकार था, इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है इसका आंसर सी पर टिक मारेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है बच्चों हम लोग जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो है चार वेद होते हैं, जो कि इस पर जो है हम लोग टिक मारेंगे चार वेद, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा चार। ठीक, अब ध्यान देंगे कह रहा है मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बच्चों हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट को जो है इंग्लिश में, हिंदी में जो है पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा में जो है पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। हमने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है खास रूप से इस पर चर्चा किए हैं और इसको जो है ब्रैकेट में लिख कर इंडिकेट भी आप लोगों को करके बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, पांडुलिपि, पांडुलिपि पर टिक मार देंगे, आंसर भी लिख देंगे। और अगला है अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र को जो है आपको दे रहा है मेगास्थनीज, कौटिल्य, स्ट्रैबो, वाल्मीकि। तो ये अर्थशास्त्र जो था, ये इकोनॉमिक जो थी वह सबसे पहले कौटिल्य लिखी थी। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना बच्चों। तो इस चीज को आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद बच्चों इसे भली भांति याद भी करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।